शेर खान पहुंचा चाइना। सुंदरवन नामक एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं और उन सारे जानवरों का एक सरदार था बब्बर शेर, जिसको सब शेर खान के नाम से जानते थे। वो अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। वो एक बहुत अच्छा राजा था। तुम सब मेरी प्रजा हो और मेरा पहला फर्ज तुम लोगों की रक्षा करना है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी निराश नहीं होने दूंगा। शेर सिंह, आप जैसा राजा मिलना तो बहुत मुश्किल है। आपके राज्य में सभी बहुत सुखी हैं, पर कुछ दिनों से हमारे जंगल में चाइना के जंगल से आकर एक भेड़िया बहुत चक्कर लगा रहा है। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। चाइना का जंगल हमारे जंगल से सटा हुआ है। हो सकता है कि वो हमारे जंगल में घूमने आया हो। मैंने भी यही सोचा था महाराज, पर जब से वो भेड़िया हमारे जंगल में देखा गया है, कुछ जानवरों के बीच में बहुत ज्यादा मतभेद शुरू हो गया है। मुझे शक है कि ये सब उस भेड़िया का ही करा धरा है। अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी सेना को उसे पकड़ने का आदेश देता हूँ। महाराज, आपको सेना भेजने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे शक हुआ, इसीलिए मैंने उस भेड़िये को पहले ही पकड़ के रख लिया है। मैं अभी आपके दरबार में उसे पेश करता हूँ। ठीक है। शेर खान के दरबार में जब भेड़िये को लाया जाता है, तब वो अपने आप को मासूम बताने का प्रयत्न करता है, जिससे महाराज पिघल जाते हैं। हम अपने हिंदुस्तान में सभी जानवरों का स्वागत करते हैं, पर अगर बाहर के जानवर हमारे देश के जानवरों में मतभेद उत्पन्न करेंगे तो ये उनके लिए सही नहीं होगा। तुम चाइना वाले क्या हमें इतना कमजोर समझते हो कि हम तुम्हारी बातों में आकर एक दूसरे से नफरत करेंगे? महाराज, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। मैंने सच में हिंदुस्तान को बहुत कमजोर समझा था। मैंने सोचा था अगर तुम सब जानवर एक दूसरे से नफरत करने लगोगे तो फिर हम चाइना वाले हिंदुस्तान के ऊपर राज कर सकते हैं। मैंने सुना था कि हिंदुस्तान वाले कान के थोड़े कच्चे होते हैं। तुमने अभी हम हिंदुस्तानियों को ठीक से जाना नहीं। हम जितना अतिथि देवो भवा को मानते हैं, उतना ही समय आने पर दिखा भी देते हैं कि हम अपने वतन को कितना चाहते हैं। शेर खान भेड़िये को सभी जानवरों के सामने बहुत बेइज्जत करता है और भेड़िया उससे माफी मांगता है। शेर खान दयालु भी था, इसलिए भेड़िये को जाने देता है और फिर कभी इस मुल्क में न आने की हिदायत देता है। भेड़िया अपने आप को बहुत अपमानित महसूस करता है और वहाँ से चला जाता है। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने शेर सिंह। तुम हम चाइना वालों को जानते नहीं हो। हम तुम सबसे 10 साल आगे चलते हैं। ये मुझे जितना कमजोर समझ रहा है ना, मैं इसे एक दिन दिखा दूंगा कि मैं क्या हूँ। मैं एक चुटकी में इस पूरे जंगल के लोगों को बीमार कर सकता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ कि अपने अपमान का बदला कैसे लिया जाता है। भेड़िया पूरे वक्त यही सोचता रहता है कि वो अपने अपमान का बदला किस तरह ले। तभी भेड़िये को अपने जंगल में एक वायरस मिलता है। ये वायरस अगर कोई सूंघ लेता है तो वो बीमार हो जाता है, पर उसका असर 24 घंटे तक रहता है। इस वायरस का तोड़ सिर्फ भेड़िये को ही पता होता है। फिर रात के अंधेरे में भेड़िया उस वायरस को हिंदुस्तान के जंगल की हवा में फैलाने का प्लान बनाता है। इस वायरस से मैं अपने अपमान का बदला लेकर रहूंगा। तब शेर सिंह को पता चलेगा कि आखिर मैं चीज क्या हूँ। मैं इस वायरस को फैलाकर जंगल के सारे प्राणियों को बीमार कर दूंगा। भेड़िया रात के अंधेरे में जंगल की हवा में वायरस छोड़ देता है। जो भी जानवर उस वायरस की चपेट में आ जाता है वो बुरी तरह से बीमार हो जाता है। बंदर, चिड़िया, तोता, मगरमच्छ, हर तरह के जानवर और पक्षी उस जंगल में बीमार हो जाते हैं। तब शेर खान को इस बात का पता चलता है और वो चिंतित हो जाता है। जंगल के सारे प्राणियों को बीमार देखकर भेड़िया बहुत खुश होता है। पूरे जंगल को किसी की नजर लग गई है। हर कोई बीमार हो गया है। इस बीमारी का कोई तोड़ भी नहीं नजर आ रहा। हिंदुस्तान के सारे वैद्य इस बीमारी से हार चुके हैं। समझ में नहीं आ रहा कि ये बीमारी हिंदुस्तान के सारे जानवरों में कैसे फैल रही है। अब तक हमारे देश की हवा और पानी बहुत ज्यादा शुद्ध थे, उससे हमें कभी कोई दिक्कत भी नहीं हुई थी। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सबके बीमार होने में किसी का हाथ जरूर है।
हाँ हो सकता है ये किसी दुश्मन देश की साजिश हो। मैं इसका पता लगा के ही रहूँगा। अब शेर खान चौकन्ना होकर सब पर नजर रख रहा था, तभी उसकी नजर भेड़िये पर पड़ी जो सुंदरवन जंगल से चाइना के जंगल की तरफ जा रहा था। ये भेड़िया इस जंगल में, मैंने तो इसे यहाँ पर आने से सख्त मना किया था, उसके बावजूद भी ये इस जंगल में आया। जरूर कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इसका पता लगाना ही होगा और पता लगाने के लिए मुझे इसका पीछा करना ही होगा। शेर खान भेड़िये का पीछा करते हुए चाइना के जंगल में पहुंच जाता है। शेर खान को अपने पीछे आते देख भेड़िये को बड़ी खुशी महसूस होती है और भेड़िये के कहने पर सभी जानवर शेर खान को घेर लेते हैं। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, बहुत घमंड था ना तुझे अपनी प्रजा और राजा बनने के ऊपर। देख आज मैंने तेरी पूरी प्रजा को बीमार कर दिया है और तू कुछ भी नहीं कर पाया और ना ही तेरा हिंदुस्तान कुछ कर पाया। इसका मतलब ये तेरी साजिश है। हाँ, क्योंकि तुमने मुझे वापस चाइना जो भेज दिया था, यही तुमने बहुत बड़ी गलती की। तुम लोगों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हो और यही हमारी ताकत है जो हमें तुम्हें धोखा देने में आसानी देती है। जल्दी बता, तूने हमारे साथ क्या धोखा किया है? मैंने एक वायरस को हवा में मिला दिया था जिसकी वजह से सारे जानवर और पक्षी बीमार हो गए थे और जिसका असर है ना 24 घंटों तक रहता है। 24 घंटों में जो बच गया सो बच गया, बाकी सब मर जाएंगे। ये सुनकर शेर खान टेंशन में आ जाता है, लेकिन दूसरे ही पल वो वायरस को खत्म करने का इलाज भेड़िये से पूछता है। इस वायरस का तोड़ क्या है, इसका उपाय बताओ। अपने देश के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तू अगर अपने देश को मेरे फैलाए हुए वायरस से बचाना चाहता है तो तुझे मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। शर्त? कैसी शर्त? यही कि तेरे देश की जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां है ना, उसका पता मुझे बता दो। तू तो जंगल का एक मामूली जानवर है, तुझे मेरे देश की सुरक्षा एजेंसियों के पते के बारे में आखिर क्यों जानना है? तुम हिंदुस्तानी लोग बहुत भोले होते हो। अरे भाई, मैं सिर्फ चाइना के जंगल का भेड़िया ही नहीं हूँ, बल्कि मैं चाइना का खुफिया एजेंट भी हूँ। तो क्या तुम हिंदुस्तान में किसी मिशन पे आए थे? हाँ, पर मेरा मिशन पूरा होने से पहले ही तुमने मेरे ईगो को हट कर दिया था, इसीलिए मैंने तेरे जंगल में वायरस छोड़ दिया। देख, तुझे जो कुछ भी जानना है वो मैं तुझे बता दूंगा, पर तू मुझे इस वायरस से बचने का उपाय बताएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, इस वायरस से बचने का केवल एक ही उपाय है, अमरूद के पत्ते। जो भी अमरूद के पत्ते खाएगा ना वो इस वायरस से बच जाएगा। मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तू अपना वादा पूरा कर, मुझे सारी सुरक्षा एजेंसियों का पता बता, चल। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो सुनो, पहली सुरक्षा एजेंसी का पता है डिफेंस कॉलोनी वुहान, दूसरी एजेंसी क्लिंटन रोड संघाई में है और तीसरी एजेंसी बीजिंग में है। तू अपने आप को बहुत होशियार समझता है क्या? तूने अभी अभी जो बकवास की है ना, वो सारे पते हमारी सुरक्षा एजेंसियों के हैं और इसका पता तुझे कहां से चला? बता, वरना तू मारा जाएगा। अबे मर गए मारने वाले, तूने वो कहावत सुनी है, नहले पे तहला? बच्चे, तू नहला है और तेरा ये बाप तहला है। क्या मतलब? अबे तू चाइना सरकार का खुफिया एजेंट है ना, तो मैं भी भारत का अंडरकवर एजेंट हूँ। साथियों, इसे जान से मार दो। हलवा समझ रखा है क्या? नजर उठा कर देख, मौत तेरे सर पर नाच रही है। चाइना आने से पहले शेर खान अपने जंगल की आर्मी को सारा प्लान बताकर आया था, इसीलिए जंगल की आर्मी शेर खान की सुरक्षा के लिए खुफिया तरीके से उस पर निगरानी रखते हुए चाइना आ गई थी। जैसे ही जंगल की आर्मी ने शेर खान को मुसीबत में देखा, वैसे ही चाइना वालों पर हमला करके शेर खान को बचा लिया। फिर शेर खान चाइना वालों के सामने सीना तान कर अपने वतन वापस आ जाता है और जंगल में आकर सभी बीमार प्राणियों को अमरूद के पत्ते खिलाकर उस वायरस से मुक्त कर देता है। कुछ दिन बाद जंगल से सारा वायरस खत्म हो जाता है और वहाँ के सारे जानवर खुशी से रहने लगते हैं।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।